जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि उमर रियाज के ऊपर अब सबसे बड़ा हथकंडा इस्तेमाल किया गया है कि उमर को कैसे घर से बाहर निकालें। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उमर के खिलाफ वोटिंग करी जा रही है कि उमर को कब निकालें, कितने लोग निकालें। और बिग बॉस ने एक पूछा है सवाल, जिस पर अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और फ्राइडे को 11 बजे तक 11 PM तक इसका स्टेट जो है वोटिंग की जाएगी, ओपन रहेगा, उसके बाद बंद रहेगा। लेकिन अभी कितने लोग उमर के अगेंस्ट है जो उसे उसको निकालना चाहते हैं वो बताऊंगा, साथ ही साथ इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि कितने लोग उमर को प्यार कर रहे हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट है दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो धनाधन फॉलो भी कर लें। उमर रियाज की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको बता दूं, तो एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या उमर रियाज को निकलना चाहिए या नहीं, ठीक है, जिसमें कि जो हेटर्स की संख्या है वो 38% मात्र है। जी हाँ, 38% लोगों ने बोला है कि हाँ उमर को बाहर निकलना चाहिए। वहीं आपको बता दूं दोस्तों तो नो की जो संख्या है वो 62% है। मतलब वो कहते हैं ना कि मारने वाला से बचाने वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है, और यहां पर ऐसे ही हुआ। 38% कौन है, किसके किसके फैंस होंगे, ये गेस कर सकते हो, समझ जाओ किसके फैंस होंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोटिंग है और इसमें जो है नो, यानी कि जिन्होंने ना बोले कि उमर को नहीं निकलना चाहिए, 62% है, और ये आगे ही रहेगा। ये हेटर्स की तरह ऐसी जलेगी ना, मजा आ जाएगा। और ये हेटर्स किसका फैंडम है हमें पता ही है, राइट। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना, इन हेटर्स को किस तरीके से करारा जवाब आप दे सकते हैं, कॉमेंट कीजिए, बताइए मुझे। बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है फीफा फूज। चलता हूं, मुझे इजाजत दें।